الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحب سبحانه الصلاة والسلام मेरा नाम लिख दे
सौ बार बंदा दुरूद पड़ेगा लिख रब देगा। जो उम्मती मुझ पर एक सौ मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देगा ये मुस्तफा का उम्मती मुनाफिक से भी बरी है जहन्नम से भी बरी हो। अल्लाह लिख देगा, लिखवा देगा। जब मालिक लिखवाएगा तो जाहिर बात है नूर के कलम से लिखा जाएगा, उसमें तो रोशनी भी होगी, उसमें तो चमक भी होगी और चमक के सारे झगड़े मोहम्मद
जिसके चर्चे हो उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मेरा नाम है मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अब्बाजी का नाम हजरत अब्दुल्लाह है, दादाजी का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। इन अल्लाह खलक अल खलक, जब ने मखलूक पैदा की अल्लाह ने, फजालनी फी खैर, सबसे आला मखलूक के अंदर रब ने मेरे नूर को रखा है। अगर आपने हदीस का मजा चखा है, सबसे आला मखलूक के अंदर रब ने मेरे नूर को रखा है। उस नूर के रब ने फिर दो फिरके बनाए, उनमें से जो आला फिरका था रब ने उसके अंदर मुझे रखा। आला फिरके के रब ने कई कबीले बनाए हैं, फजालनी फी खैर कबीला का, जो उनमें आला कबीला था उसके अंदर आपने मुझे रखा। आला कबीले के अपने घर बनाए, जो सबसे आला घर था हुजूर फरमाते वो मेरे ही था। आला खैर हो नफ्सन व खैर हो बेहतर, फरमाया मेरी जात जैसी किसी की जात कोई नहीं और मेरे घर जैसा किसी का घर भी कोई नहीं। अरे आप इजाजत दें मैं मुल्ला लिकारी को थोड़ा सा पढ़ लेता, नहीं ऐसे तो नहीं पढ़ सकता ना। इस तरह की ईंटें मेरे घर में लगी हैं, ऐसी किसी के घर में नहीं है। आज लोग कुरान पढ़ के दाढ़ी रख के सर पे इमामा बांध के कहते नबी के बाद जाए तो माजरा मुसलमान ही नहीं थे। मैंने कहा हया करो, हुजूर फरमाते मेरे घर जैसा किसी के घर कोई नहीं। क्या मतलब है? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कई बातन व हसन व नसन, फरमाने का मतलब के जमाने वालों और मोहम्मद की जात जैसी जात भी कोई नहीं। मेरी वालिदा जैसे किसी की वालिदा भी नहीं है। क्या मतलब है? फरमाया जब रब ने मखलूक पैदा की थी सबसे आला मखलूक में मैं आया था। मखलूक में था तो तब भी आला, फिरकों में आया तो तब भी आला, कबीलों में आया तो तब भी आला, घरानों में आया तो तब भी आला। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा को जुर्म क्या है? वो भी तो यही कहते हैं सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे आला हो आला, हमारा नबी खल्क से औलिया आने वाली हर घड़ी आला ही आला। ऐसा मिलाद कौन बयान करेगा? कैसा मिलाद वाले खुद बयान फरमा रहे हैं। सुभान मैंने बहुत ज्यादा बातें करनी है आपसे, टाइम बिल्कुल थोड़ा है, ऊंची सुबह सुनाइए जरा एक बात। अच्छा चले मैं बहुत कुछ छोड़ता हूँ आगे चलता हूँ। अल्लाह शरीफ ने कलम को पैदा फरमाया किसे? उक्तुब कलम एक कलम कहती मैं आपको मुलाकात लिखूं, फरमाओ तो तौहीद ही मेरी तौहीद लिख। सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलम लिखा फौसा का दिल कर रुक गया। फरमाओ तो आगे भी लिख, कहती मैं आपको क्या लिखूं? फरमाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम कहती है बाबा मुहम्मदुल लजी करम का इस्महु मा इस्मी का, यानी मुहम्मद कौन है? मैं तान तब या कलम कलम अदब का पता नहीं किस तरह नाम ले रही है। हबीब का नाम लेते हुए तासीम के साथ लो कलम का इतराफ देखो, ये कौन है जिसका नाम तुझे अपने नाम के साथ मिलाया है? नहीं तो मैं जो फरमाई इधर मस्जिद के मेहराब पे लिख देना या अल्लाह और साथ देते या रसूल अल्लाह, लोगों के पेट में मरोड़ उठ जाता है। देखो नबी का नाम अल्लाह के नाम के साथ मिला दिया। मैंने कहा यही सवाल कलम ने किया था, किसका नाम तुझे अपने नाम के साथ मिला दिया? अल्लाह जलाल क्या। तो कलम के दो टुकड़े हो रब के जलाल से, और मैं कलम अदब करो किस हस्ती के बारे में पूछती है? लो ना मोहम्मद मा खलकतु अहदा मिन खल्की, याद रख कलम अगर मुस्तफा ना होते तो कायनात में कुछ भी ना होता। सब कुछ मैंने हुजूर का सदका पैदा करवाया। हबीब पैदा ना होते तो कुछ भी ना होता। एक रिवायत में फरमाया लौला कलम अखलकतु दुनिया, लौला कलम अखलकतु अफलाका, लौला कलम अखलकतु जन्नता, लौला कलम अखलकतु नारा, लौला कलम अखलकतु रबूबियता। हबीब आप ना होते तो जमीन पैदा ही ना करता, आप ना होते आसमान पैदा ना करता, आप ना होते जन्नत ना बना,
आपने होते जहन्नम ना बनाता। क्यों? जन्नत बनाई है गुलामों के लिए, जहन्नम बनाई है तेरे दुश्मनों के लिए। आपने होते तो मैं तो अपने रब होने का इजहार भी ना करता। दूसरे अल्फाज में अगर तर्जमा किया यही है, रब फरमाता है हमें जमीन बनाई है तो तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तो तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई है तो तुम्हारे लिए। आज मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्यों बैठे हो? खादरात कर बैठे थे? बोल तो सही, उर्दू सही समझ आती? पंजाबी 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 धरती पंजाबी दौर बढ़ती दौर तू घर में लगे घर मेरी तू तो खाना है चाचा। मैनू उस रब की कसम है
जिसे कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है काट कुन तू अस्माउ सरीन अल कलमी अला लौह अल महफूज सुभान अल्लाह अनबी जुर्मा दिल शाही के चांद तू चांद की बातें करता है लौह अल महफूज पे जब कलम चलता था ना उसके चलने की आवाज तो मैं अपनी अम्मी के पेट में सुन लेता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अभी मेरा मिलाद नहीं हुआ था सुभान अल्लाह मैं कहता दीवार के पीछे नहीं सुनते और मैंने कहा कौन सी दीवार दूर और नजदीक के सुनने वाले ये बहुत जुमला है मैं कहूंगा आप में से कोई उठ के आए ना मेरी जगह पे बयान करे तो सामने बैठ के मैं दाद देता हूँ कैसे दे जुमला ही वो आ गया है चुप रह ही नहीं सकते खामोश हो ही नहीं सकते बंदे के दिल में इश्क मुस्तफा हो तो जरूर करंट लगेगा या मलाइका की वो शिदू गवाह बन जाओ या किस चीज के पर मैं देखते नहीं हो कि अभी मुस्तफा का मिलाद हुआ और कुछ भी नहीं मांगा उम्मत ही मांगी है उम्मत ही मांगी तवज्जो करो जरा अभी नारा लगाना खड़े होके पर मैं बड़ी तो गवाह बन जाओ अल्लाह हबीबी ला युनसा उम्मतुहु इंदल विलादती कई फयुनसा जौमल कियामती वो बड़ी तो गवाह बन जाओ जो महबूब विलादत के वक्त उम्मतियों को नहीं भूला जहन्नम का दरोगा पुकार उठेगा या मोहम्मद मैं तरसता ये वादा
करम है। मेरे आका से कहेगा इतना हसीन चेहरा है, इतनी प्यारी जुल्फे हैं,
ऐ रुख जैसे आईने में मुसव्वर सजा हुआ, माथे की हर लकीर में कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमा फितर छिड़ा हुआ, आकाश जैसे हो तरह काबा खुला हुआ। सिंचरा है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। मन नंदा आप कौन है? हुजूर फरमाए जो बोले उम्मती पहचाना नहीं, आना नबी जो का मोहम्मद, और मैं ही तो तेरा नबी मोहम्मद हूं। पहचाना नहीं है, मैं ही तो तेरा नबी, पहचाना नहीं, मैं ही तो तेरा नबी हूं। और ये कागज का टुकड़ा जानता है क्या है हुजूर? क्या है? फरमाए हाजी सलातु अल्लती कुंता तुसल्ली अलैहा, वो याद करना जो पढ़ता था मुस्तफा जाने रहमत पहला ਰਾ
उस्मान ने बुला, अली बुला, सोया जमात का टाइम है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप लोग, जमात का टाइम है नहीं, सोया क्या बात है, जिहाद पे जाने नहीं, पर मैं बुला आज लवा खवाने। जो रास्ते में मिल जाए उसे भी बुला लाना। बुखारी से पढ़ रहा हूँ, बुखारी से। अरे दनस कहते जब मैं बुला के वापस आता 300 से आता नबियों के साथ में भी कोई
शान का पता हो। लगता है भेड़िए का भी मुताला नसीब था। नहीं समझ आई तो भाई जुमला वही बोल सकता है ना, वो कहता भेड़िया क्या कहता है सुना तो बताओ, तो कहता है बड़ी बड़ी शान वाले हैं आदम पाक मूसा पाक ये सब आला है आला, लेकिन जिनकी मैं बात करूं ये सबसे आला। इतनी बड़ी जात। अच्छा अरे एक और क्या आपकी खबर दसा मेरा गल दसा मैं इतना भी अजीब आता वो की गल है जो सबसे जो मैं गल करता पा ना युखबिरुकुम बिमा मदा वमा हुआ कायन वादकुम भेड़िया हो तो बकरे चढ़ाए जा सकते हैं, तो क्या भी
बाकी इंशाल्लाह मैं आपकी इस मस्जिद में बल्कि इस इलाके में पहली दफा आया हूँ। मेहनत ठंड पै गई है, मुनकरान ठंड पै गई है, आते तो आटा तो आटे रात नहीं पता। जिंदगी यही दोबारा इंशाल्लाह कभी उसकी गलती की किसी फिर आप और इजाजत दे दो, मैंने आगे जाना बड़ी माजरत के साथ, नहीं तो मैं और भी खुशगुजार खाता करता। आखिर दावा।